ये हमारे पास उनो मिंडा का एंड्रॉयड है और ये 232 में है। इसमें हमें एप्पल कारप्ले कनेक्ट करना है एसीपी, तो उसके लिए हमें कैसे किस तरह से करते हैं वो सारा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे टाइम। ये टाइम इस टाइम जो है अभी 3:16 हो रहे हैं और यहाँ पर शो कर रहा है 5:46। एक तो वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हमें टाइम जोन सेलेक्ट करना है। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम में जाएंगे, यहाँ आपको ये डेट एंड टाइम मिलेगा। डेट टाइम में चले जाएंगे, डेट टाइम में हमें टाइम जोन सेट करना है। ये चाइना आ रहा है तो चाइना को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम इंडिया डाल देंगे। ये हमने इंडिया डाला, ये इंडिया सेलेक्ट हो गया और हम बैक आ जाएंगे। ये हमारा टाइम बिल्कुल सही आ गया। तो यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम वापस होम पेज में आएंगे और होम पेज में आने के बाद हमें क्या करना है, ब्लूटूथ ऑन करना है, ठीक है। ब्लूटूथ सर्च करेंगे और यहाँ अपने मोबाइल में हम ब्लूटूथ को खोल देंगे। ब्लूटूथ सर्च मारेंगे यहाँ से, ये कार बीटी आ गया, ठीक है। ये पेयर के लिए यहाँ पे इस तरह से आएगा, इसको पेयर कर देंगे। फिर ये पूछेगा कॉन्टैक्ट भी सेव करने, तो मुझे कॉन्टैक्ट नहीं करने, तो मैंने इसको बंद कर दिया। ये मेरा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है अभी, ये एप्पल कारप्ले शुरू हो गया। अब इस तरह से यहाँ पर ये एक ब्लिंक करेगा एसएमएस, यूज़ कार एप्पल कारप्ले, तो मैं यूज़ कारप्ले पे करूँगा इसको। ये स्टार्ट हो गया मोबाइल मेरा, तो ये इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपना मोबाइल।